अखिलेश ने योगी से पूछा, आपके खिलाफ कितने मुकदमे वापस लिए गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हिमेश के साथ लखनऊ से सपा के मेयर पद की उम्मीदवार वंदना मिश्रा भी थी। शहरी स्थानीय निकाय चुनाव के लिए प्रचार अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ दंगे करवा रहे। योगी यूपी सरकार, समाजवादी पार्टी, इंडियन एक्सप्रेस, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज के खिलाफ लंबित मामले। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव मंगलवार को लखनऊ में पार्टी नेताओं के साथ, समाजवादी पार्टी सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर पिछली सरकारों पर दंगे कराने का आरोप लगाने के लिए पलटवार किया और भाजपा नेता से पूछा कि उनके खिलाफ लंबित कितने मामले उनके अपने प्रशासन द्वारा वापस लिए गए और क्या वे दंगों से संबंधित थे। अखिलेश ने मंगलवार को लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा, बीजेपी का दावा है कि वह एक अलग पार्टी है, हालांकि कुछ जगहों पर यह पार्टी विद डिस्टेंसिंग लग रही थी क्योंकि लोगों ने इससे दूरी बना ली थी। उन्हें आदित्यनाथ को बताना चाहिए कि उनके खिलाफ कितने मामले थे और इनमें से कौन से वापस ले लिए गए और कितने मामले दंगों से संबंधित थे। मैं कहना चाहता हूं कि वे भाजपा लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वे लोगों को बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने में विफल रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव के साथ लखनऊ से सपा की मेयर पद की उम्मीदवार वंदना मिश्रा भी थी। गैंगस्टर राजनेता अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या और वकील उमेश पाल की दिन दहाड़े हत्या के बाद राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में पूछे जाने पर अखिलेश ने कहा, यह व्यवस्था की विफलता है, बातचीत कानून और व्यवस्था की स्थिति से परे हो गई। गवाह उमेश पाल के पास सुरक्षा कवर था, जो आरोपी थे उनके पास सुरक्षा कवर भी था और दोनों मारे जाते हैं। कौन जिम्मेदार है? सरकार है।